नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद टच लाइव ब्यूटी चैनल में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भूमि आंवला के बारे में। भूमि आंवला एक आयुर्वेदिक दवा है। इसके फल बिल्कुल आंवले जैसे दिखाई देते हैं और यह बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं। ये पौधे बरसात के मौसम में कहीं भी उग जाते हैं। छायादार और नमी वाले स्थान पर ये सारा साल पाए जाते हैं। इसे औषधि को सुखा कर यूज किया जाता है। यह जड़ी बूटी दुकान आदि पर भी बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। आज हम आपको बताएंगे भूमि आंवला के क्या क्या फायदे हैं। इसको भूमि आंवला के अलावा से भूई आंवला भी कहा जाता है। आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल टच लाइव ब्यूटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दबाएँ इस बेल आइकन को, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपके ब्रेस्ट में सूजन या गांठ बन गई है तो इसके लिए भूमि आंवला बहुत ही बेहतरीन उपाय है। इसके लिए आपको भूमि आंवला की पत्तियों का पेस्ट बना लेना है और इसे पेस्ट को सूजन या गांठ वाली जगह पर लगाएं। इससे आप देखेंगे कि आपकी सूजन या गांठ में काफ़ी आराम मिला है। लीवर इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन के लिए भी भूमि आंवला काफ़ी फायदेमंद होता है। अगर आपको पीलिया रोग हो गया है तो आप भूमि आंवला की पत्तियों को छाछ में मिलाकर पीजिए। इससे आपके पीलिया रोग में काफ़ी आराम मिलेगा। भूमि आंवला किडनी इन्फेक्शन और किडनी फेलियर में भी काफ़ी लाभदायक होता है। भूमि आंवला के सेवन से किडनी सिस्टम ठीक रहता है, जिससे कारण यूरिन ज़्यादा आता है, जिससे कि बॉडी की सफाई अच्छी तरह से हो जाती है। इसके अलावा अगर आप शुगर के मरीज हैं तो भी आप भूमि आंवला का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके घाव नहीं भर रहे हैं तो आप इसका पेस्ट बना लें और साथ में काली मिर्च के साथ इसका सेवन करें। इससे आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी और आपका घाव भी भर जाएगा। अगर आपके मुँह में बार बार छाले पड़ जाते हैं तो भी आप भूमि आंवला के पत्तों को चुबाएँ। इससे आपके मुँह के छाले भी गायब हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ उपाय अपनाकर आप अपने सेहत को स्वस्थ बना सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी। इसी तरह की अन्य जानकारियों के साथ जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद दोस्तों।